संडे निवेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंचे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। संडे निवेश के एनपीएस 2 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आपने एपिसोड 1 देखा होगा और अब तक आपको एनपीएस के बारे में एक साधारण सी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस वीडियो में हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एनपीएस पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक एनपीएस पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक छोड़ी है, आप जरूर उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आके आप एनपीएस का पार्ट 2 देखिएगा। तो पार्ट 2 में दोस्तों क्या हम कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले ये सारी चीजें। कितने टाइप के होते हैं एनपीएस के अकाउंट, वे दोनों कैसे अलग हैं, कहां करता है एनपीएस इन्वेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि कितने अकाउंट होते हैं एनपीएस के, तो ये दो अकाउंट होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। समझते हैं कि ये दो अकाउंट क्या करते हैं, आपस में इनकी क्या विशेषता। तो दोस्तों टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो एक बेसिक अकाउंट होता है, उसमें आपको पीआरएन नंबर मिल जाता है, इसमें आपको ईईटी यानी एग्जम टैक्स रिजाइन के अंडर काम करता है ये। इसमें जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो आपकी टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट में आएंगी, और इसके बारे में आप एनपीएस पार्ट 1 में समझ ही चुके हो कि वो क्या है टैक्स एग्जम्पशन एनपीएस के लिए। और इसमें जो आप पूरा कॉर्पस है वो जो विड्रॉ करोगे दोस्तों, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वो पूरा कॉर्पस टैक्स लायबिलिटी में आता है। समझिए आपने एक 50 लाख इसमें जमा किया था जो 1 करोड़ बन चुका है, तो जो 50 लाख रुपए हैं वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उस पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उस टाइम के रूल्स के हिसाब से टैक्स भरनी है। इसमें दो फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, जहां पे आप कंट्रीब्यूट करते जाते हो आप कुछ पाते नहीं हो इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो हो जाता है जहां पे आपको पेंशन मिलना चालू जाती है, जो भी आपका फंड एक्यूमुलेटेड है उस इन्वेस्टमेंट की जो भी ग्रोथ हुई है उससे जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता है हर महीने। तो चलिए देखते हैं टीयर 2 अकाउंट क्या होता है। टीयर 2 अकाउंट दोस्तों एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जिसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम अपने बैंक अकाउंट के साथ करते हैं, जब मन चाहा पैसे डाल दिए, जब मन चाहा पैसे निकाल दिए। इसमें दोस्तों आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स डिडक्शन में अलाउड नहीं होती है, तो ऐसा मत समझिए मैंने एक बार 5 लाख डाल दिए तो 5 लाख टैक्स एग्जम्पशन में मुझे मिलेंगे, नहीं दोस्तों इसमें आपको वो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको यही फायदा है कि आप इसमें से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और इसमें कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं, कोई ऐसे आपको पाबंदी नहीं है कि आपको कुछ साल इसमें जुड़े रहना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से इसमें से पैसे निकाल भी सकते हैं। एनपीएस हमारा पैसा करता कहां है इन्वेस्ट, एनपीएस जो हमारा पैसा है वो या तो इक्विटी में करता है या कॉरपोरेट डेप्ट में करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करता है दोस्तों। तो इसमें आपको मिलती है ऑटो च्वाइस या तो एक्टिव च्वाइस। ऑटो च्वाइस यानी कि वो खुद ही आपके एज के हिसाब से इन तीनों में बैलेंस कर करके आपके एज के अनुसार इन्वेस्ट करता रहेगा ताकि आपका जो रिटर्न हो वो बेहतर से बेहतर हो सके। और दूसरा रहता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस आपके हाथ में होता है और फाइनेंशियल ईयर में आप चेंज कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो कि मेरे को कितना अलोकेशन कौन से वाले आपके इंस्ट्रूमेंट में चाहिए। जैसे कि हमने समझा कि ये तीन अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसमें दोस्तों रिटर्न की कोई ऐसे गारंटीड परसेंटेज तो नहीं आती है, लेकिन आप समझ सकते हैं अंदाजे से कि 1-7% से लेकर 12-13% तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गारंटीड नहीं है इसीलिए मैं आपको ये बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहूंगा अपने तरफ से कि इसमें आपको इतना मिलेगा ही, तो ये आपकी थोड़ा कितना प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आगे इंटरेस्ट रेट क्या रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी अभी एज क्या है जब आप एनपीएस अकाउंट खोल रहे हो, आपका एलोकेशन कैसे रहता है, तो ये सब चीजें जरूर ध्यान में रखी जाती है दोस्तों एनपीएस के रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें आप एक सिर्फ अनुमान के अनुसार ही काम कर सकते हो। कुछ नया रूल आया है दोस्तों एनपीएस को लेके, तो वो समझते हैं। टीयर 1 अकाउंट होल्डर जो है, टीयर 1 सब्सक्राइबर जो है, वो टुकड़ों में विड्रॉ कर सकता है, पार्शल विड्रॉ कर सकता है अपने एनपीएस अकाउंट से, जिसकी सीमा तय की गई है 25%। तो समझ लीजिए अगर आपके पास 1 लाख निवेश है एनपीएस के अंदर तो आप 25%, जी हाँ बिल्कुल 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये विड्रॉल फैसिलिटी जो है
वो आपको आपके टीयर वन अकाउंट के 3 साल पूरे होते ही कर सकते हो। तो यदि अगर आपके टीयर वन अकाउंट को खुलाए 3 साल हो चुके हैं तो आप विड्रॉल कर सकते हो। टीयर टू में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल के लिए, यहाँ पे आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। ये थे एनपीएस की बारे में सारी जानकारी, 2 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं, 1 पार्ट में बहुत लंबा हो जाता। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी फीडबैक होंगे जरूर लिखिए। और आप इस चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 लाइक तो बनता है इस पे दोस्तों।